यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू द बोरा गेमिंग स्टूडियो। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं मिनी ब्लॉक क्राफ्ट 3D। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हम एक अलग जगह पे आज स्पॉन हुए हैं। मैंने ये पहले खेला था, तब मैं यहाँ से गिर गया था, तो अब थोड़ा आराम से खेलते हैं इसको। रिस्पॉन हुए, अब हमें यहाँ पे एक बड़ा कासल बनाना है जिसके अंदर हम रह सकें। और थोड़ा मैं उठ लेता हूँ वरना भी एक्सीडेंट हो जाएगा। और जगह देखते हैं, पहले ऐसी जगह चाहिए जो पानी के और इसके पास ही हो, जैसे कि वो वहाँ पे चलता है या फिर कहीं दूर चलता है थोड़ा। ओहो, सामने पहाड़ी है। हम पहाड़ी के टॉप पर बनाए या उस नीचे बनाए। ये पहाड़ी का टॉप है। एक सेकंड, टॉप पे खड़ा हो जाता हूँ मैं। जैसे कि आप लोगों को शाम होने वाली है, रात होने वाली है अब, तो मुझे जल्दी कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे मैं रह सकूँ। हालांकि हम इसमें दिन सुबह शाम दोनों कर सकते हैं। ये देखो, ये दिन का समय हो गया है, तो अब हम चलते हैं इस पहाड़ी के नीचे और देखते हैं कौन से नए जानवर से मुलाकात होगी हमारी। ओ भाई, यहाँ से गिर मत जाइए, बाकी सब सही है। रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ सा है, पता नहीं नीचे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। डायरेक्ट छलांग लगाए तो कम से 5 या 10 सेकेंड में पहुंच गए। यहाँ पे एक बेर भी है। ओके गाइस, हमें लोकेशन मिल चुकी है, बहुत बढ़िया। हम यहाँ पे अपना घर बनाएंगे इसी जगह पे। उड़ के चलते, इतना टाइम नहीं हमारे पास। जगह तो काफी अच्छी है। और या ऐसा करते हैं, यहाँ पे अपना घर बना लेते हैं और यहाँ पे हम अपनी फार्मिंग कर लेंगे, या फिर काऊ को या फिर बेर को यहाँ पे बांध देंगे। तो इस गैस शुरू करते हैं तोड़ने निचोड़ने का काम। ओके गाइस, ओ भाई हवा में उड़ने वाला। नहीं, हवा में नहीं उड़ रहा है। इसको पहले हम गए, हम किसका घर बनाए पहले आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। पहले सबसे पहले वॉल खड़ी कर लें या फिर वॉल ही खड़ी कर लेते हैं पहले। यहाँ पे मुझे किसी की आवाज आई है। काफ़ी टफ है बट हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा बहुत और रहा है जो पैक कर देते हैं यहाँ पर भी। पैकेट, अब फटाफट हम अपनी वॉल बना लेते हैं।
यहाँ से शुरू करता है। ओके गाइस, हमने ये वॉल अब जो है हमने चारों तरफ वॉल तैयार कर दी है और नीचे भी फर्श। अभी आप मेरे को ज़रूर बताना फर्श कौन सा, अभी तो अभी के लिए तो मैं वाइट रख रहा हूँ, लेकिन बाद में कमेंट में आप ज़रूर बताना फर्श कौन सा रखूँ, रेड रखूँ या ब्लू रखूँ या फिर इस वॉल के कलर का रखूँ। फिलहाल तो अभी टॉर्च लगा लेते हैं। टॉर्च, ओके नीचे उतरते हैं। टॉर्च सबसे पहले एक यहाँ पे चारों तरफ लगा दे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए ओके गाइस, अब मैं वाइट वाले जो ब्लॉक्स होते हैं वो मैं रख देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ ये ले लेते हैं, मार्बल मार्बल वाले। अरे यार तू क्या आ रही है। ओके गाइस, हमने लगाना शुरू कर दिया है। और बाहर हमारे कुछ दोस्त है जो हमको आवाज़ दे रहे हैं क्या भाई आ जा, लेकिन मेरे को जाने का कोई शौक नहीं। ये देखो जोर जोर से आवाज़ दे रहे हैं वो करके। भाई कमेंट में ज़रूर बताना ये गेम कौन कौन खेलता है और किसका ये मनपसंद गेम है। हालांकि मैंने तो थोड़ा 2 4 दिन ही हुए खेलना शुरू किया है। मेरे को इसके बारे में बताना कि ये गेम कैसे खेलते हैं। आपका छोटा भाई थोड़ा सपोर्ट कर देना, अब एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और एक शेयर ज़रूर कर देना। ओके तो हमारी बातें करते करते पता ही नहीं चला कब बॉल पूरी हो गई, पर्स पूरा हो गया। ओके गाइस, पर्स पूरा लगने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब जो छत है वो आप मेरे को बताना कौन सी रखो। फिलहाल तो अभी मैं छत वुड वाली रख रहा हूँ ताकि अच्छी अच्छी दिखेगी। वुड वाली छत ले लेते हैं अभी, कोई बात नहीं। वुड वाली छत डिजाइनिंग करूं या इसका क्या काम है? ब्रेक नहीं तो ये काम करें। स्नोबॉल, एक दरवाजा ले लेता था काफी काम आएगा। उसमें चलते हैं प्लेटिंग में, प्लेटेड। ओके अलग अलग रंग के हैं। ओके समझ गया, इनको फेंको बाहर, इनको भी फेंको बाहर। चॉकलेट कलर ले लेते हैं एक और येलो कलर ले लेते हैं एक, ब्लैक कलर ले लेते हैं एक। ओके सबसे पहले दीवार के लिए हम रेडी कर ले, दीवार रेडी कर लेते हैं चारों तरफ ब्लैक स्पॉट्स लगा के। ओके हाँ ओके गाइस, हमारा घर बिल्कुल तैयार हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। थोड़ा सा छोटा बना है लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब से मैंने बना दिया। चलो तो घर के अंदर चलते हैं। और हाँ मैंने गेट जो है अभी तक नहीं बनाया है क्योंकि गेट आप लोगों के कहने बनाऊंगा मैं, आप जैसा गेट कहोगे मैं वैसा गेट बनूंगा। मैंने अभी तक गेट नहीं बनाया है। हाँ हालांकि यहाँ से हमको बाहर जाने के लिए मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ जिससे हम बाहर जा सकें। हाँ ये हमारी एंट्री हो गई। नॉर्मल गेट हम लगा देंगे लेकिन
अब यहाँ पे जो है जितने भी ये जो है मैं इन सबको तोड़ना होगा, इतना इतना एरिया तोड़ लेता है। फार्मिंग के लिए वगैरह तोड़ लेते हैं इतना इतना एरिया। यहाँ के जानवर बहुत डराते हैं गाइस। मैं यहाँ से थोड़ा क्लोजिंग कर देता हूँ और यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी वाला लिखवा देंगे ताकि जिससे कोई जानवर, हाँ यहाँ के जो जानवर होते हैं अगर हम वहाँ पे कुछ लिख देते हैं तो ये वहाँ पे नहीं आते हैं। अगर हम जो कासल या कोई छोटा सा घर बनाते हैं और वहाँ पे हम लिख देते हैं कि दिस प्रॉपर्टी बाई बोरा गेमिंग स्टूडियो, तो ये मतलब उधर नहीं आएंगे ना ही उसके पास भटकेंगे। तो मेरे को तो ये बेस्ट लग रहा है, बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि मैं ऐसा बाहर लिखूँ या नहीं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से फार्मिंग का काम। थोड़ा सा रह गया उसको खत्म करते हैं। ओके ओके काम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। बहुत है मेरे हिसाब से तो इतनी जगह। हम अपने घर के लिए अलग से सीढ़ी बनाएंगे। यह सब मैं इसलिए तोड़ रहा हूँ। ओके गाइस हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जब तक। ओके गाइस हमारा घर जो है वो बिल्कुल ही तैयार हो चुका है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और अब हम चलते हैं अपने घर में। हम अपने घर में आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा हीरो टाइप लग रहा हूँ, काफ़ी अच्छा। ये इस जगह पे हम फार्मिंग करेंगे, इस जगह पे, यहाँ पे हम फार्मिंग करेंगे इस जगह पे। यहाँ पे हम पपीता या तरबूज या वाटरमेलन या कुछ भी होगा, कद्दू वगैरह जैसे ऊपर हमारा। अरे भाई जाता रहे नहीं महीने, बहुत परेशान करता है गई। ओ भाई थारो साकी नाको, अब उन्हें पैक कौन करी। सॉरी गाइस थोड़ी मारवाड़ी बोल रहा हूँ। चलो इसको पैक कर देते हैं। ये रहा, हाँ भाई 10 तेरा काम खत्म, उसका काम शुरू हो। चलो हाँ चलो बारे हाल करो भाई। मेरे को इसको फर्स्ट पर्सन में करना होगा नहीं तो ऐसे तो खेले ही नहीं जाएगा। ओए बैस की आँख, नहीं, सही है सही है सही है। चलो तो ओके गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना और एक शेयर जरूर कर देना और चैनल को। ओके गाइज चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।